आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 21,234 पहुंच गया है, वहीं 291 लोगों की मौत हो गई है। वायरस के 78,357 नए मामले, 1,045 की मौत। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 78,357 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,69,523 हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख से कुछ अधिक थे, जो महज 10 दिन में बढ़कर 37 लाख के पार हो गए। मौसम समाचार। आज भी होगी बारिश, इन 5 जिलों में रहे सावधान। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत 5 जनपदों में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों और शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश की राजधानी देहरादून और हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हल्द्वानी में डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिला है, जबकि पेट्रोल के दाम में स्थिर है। देहरादून में आज पेट्रोल की कीमत है 82.76 रुपये, वहीं डीजल की कीमत है 73.98 रुपये। हरिद्वार की बात करें तो पेट्रोल के दाम है 82.21 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.45 रुपये। हल्द्वानी की बात करें तो पेट्रोल की दाम है 82.40 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.57 रुपये। जाने देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लेंगे विधानसभा अध्यक्ष। आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें, विधानसभा सत्र इस बार महज 3 दिन का है और 23 सितम्बर से शुरू हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की रिव्यू मीटिंग। मुख्य सचिव ओम प्रकाश आज सचिवालय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को लेकर रिव्यू मीटिंग लेंगे। बता दें कि कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना आकार लेने लगी है। हरिद्वार में रहेंगे मदन कौशिक। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक आज हरिद्वार में रहेंगे। यहां वे बीजेपी के कुनबे को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही वे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री दौरे पर। वन मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार में रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर में रहेंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। महेश नेगी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। महेश नेगी की पत्नी द्वारा दायर FIR के खिलाफ पीड़ित महिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं खटीमा में छात्रों का प्रदर्शन। कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देर से कराने की मांग को लेकर आज छात्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही वे महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी को लेकर अभिभावक भी प्रदर्शन करेंगे। वहीं रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से करीब 12 मोटर मार्ग बंद, कई गाँव का कटा संपर्क। रुद्रप्रयाग जिले में रास्ते बंद होने की वजह से लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से कट गया है। पुरसाड़ी जेल में कैदियों के फरार होने में मिलीभगत की आशंका, मुलाकातियों की हो रही जांच। चमोली जिले के पुरसाड़ी जेल में फरार हुए दो सजायाफ्ता कैदियों के मामले में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। जेल प्रशासन अब उनसे पिछले दिनों कौन कौन मिलने आए थे, इसकी जाँच पड़ताल कर रहा है। काशीपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की काशीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी है। राशन कार्ड और आधार अब ऑनलाइन ऐसे लिंक होंगे चुटकी में। विकास नगर में आधार कार्ड को लेकर लोगों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने कालसी ब्लॉक सभागार में राशन कार्ड ऑनलाइन आधार लिंक के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसके बाद काफी संख्या में लोग राशन कार्ड से आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक करवा रहे हैं। वहीं मसूरी में किशोर उपाध्याय 8 सितंबर से शुरू करेंगे वन अधिकार आंदोलन। पूर्व PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने 8 सितंबर से वन अधिकारों को लेकर आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए वे उत्तराखंड की जनता को उनके अधिकार दिलाएंगे। किसान परेशान।
एक महीने से नहीं आया सिंचाई का पानी, आखिर कौन सुनेगा किसानों की परेशानी। डोईवाला के बुल्लावाला, छबरा वाला के सैकड़ों किसान नहरों में सिंचाई का पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। एक महीना बीत जाने के बाद भी नहरें सूखी पड़ी हैं। अब किसान सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और धरने पर बैठने की बात भी कह रहे हैं। पीएम मोदी का निजी ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने अकाउंट से फर्जी ट्वीट किए और क्रिप्टो करेंसी खरीदने की अपील भी की गई। ट्विटर के प्रवक्ता ने इस संबंध में बयान भी जारी किया। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएम मोदी के निजी हैंडल ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया। पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप बैन। केंद्र सरकार ने भारत में लोकप्रिय पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ज्यादातर चीन से संबंधित ऐप हैं। चीन पर तनाव के बीच चीन को यह एक और तगड़ा झटका माना जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 19 से। नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय में 19 सितंबर से स्नातक व स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। निजी अस्पताल में रोज 8,000 से 18,000 लगेंगे। सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। अस्पतालों को इन्हीं दरों पर मरीजों का इलाज करना होगा और ज्यादा कीमत वसूले जाने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से इसके आदेश किए गए हैं। ठीक हुए मरीज के शरीर में एंटीबॉडी जल्द नष्ट नहीं होती। कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर में एंटीबॉडी जल्दी नष्ट नहीं होती और दोबारा संक्रमण से भी बचाती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में यह बात सामने आई है। गौरतलब है कि मरीज के शरीर में संक्रमण के ठीक हो जाने के बाद एंटीबॉडी प्रोटीन विकसित हो जाते हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती देते हैं। रुद्रपुर में महिला से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। विधवा महिला से पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी अश्लील फोटो खींची, बाद में महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। विरोध करने पर आरोपित उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक घंटे की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना होगा हल। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को एक घंटे की अवधि में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर सीट पर हल करना होगा। परीक्षाएं प्रतिदिन सुबह 8 से 9, 11 से 12 और अपराह्न 2 से 3 बजे तक की पालियों में होगी। विश्वविद्यालय फाइनल सेमेस्टर परीक्षाएं 19 सितम्बर से। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी 19 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षाएं 9 अक्टूबर तक चलेगी। कैंपा के तहत 20,000 को मिलेगा रोजगार। कैंपा के तहत वन विभाग प्रदेश में करीब 20,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत ग्राम सभाओं के स्तर पर ग्राम प्रहरी और सहायक तैनात किए जाएंगे। इसको कैंपा के जरिए 8,000 और 5,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। DBS और MKP कॉलेज बंद। कोरोना ने दून के दो और कॉलेजों में दस्तक दे दी है। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बुधवार को DBS PG कॉलेज और MKP PG कॉलेज को बंद कर दिया गया। अब दोनों कॉलेजों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, इसके बाद ही कॉलेजों में काम शुरू होंगे। आज हेमकुंड साहिब रवाना होगा पहला जत्था। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। बृहस्पतिवार को पंच प्यारे के नेतृत्व में गोविंद घाट गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। घांगरिया में 55 और गोविंद घाट में 25 सिख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। PCS परीक्षा मामले में 2 सप्ताह में जवाब दें। राज्य में 2016 के बाद PCS परीक्षा नहीं कराने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने मामले में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि 2000 में सरकार ने तय किया था कि हर साल राज्य लोक सेवा आयोग को अफसरों के पदों की रिक्तियों का अध्ययन भेजा जाएगा, मगर राज्य बनने के 2 दशक बाद अब तक राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा मात्र 6 परीक्षा आयोजित की। पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के पद रिक्त हैं। एक अफसर को कई जिम्मेदारी दी गई, इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव ने पुलिस प्रशासन को छकाया।
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना पर एक व्यक्ति परिवार समेत लापता हो गया। इससे स्वास्थ्य और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। कोरोना पॉजिटिव ने मकान मालिक समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम को जमकर छकाया। बाद में मकान स्वामी ने बामुश्किल उसे परिवार सहित रुद्रपुर से पकड़ा और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया। स्वास्थ्य विभाग ने उसे पंतनगर कोविड केयर सेंटर भेज दिया है।